साइबर सिटी के पटौदी में भ्रष्टाचार का एक अनोखा मामला सामने आया है। जी हां, यहां सड़कों को बिना रोड रूलर चलाए ठीक कर दिया गया और भुगतान लेकर प्रदेश सरकार को हजारों रुपए का चूना लगा दिया गया। दिखाई दे रही ये तस्वीरें उसी सड़क की हैं जिसको ठीक करने के लिए रोड रोलर की जगह बाइकों का इस्तेमाल किया गया है। इसका खुलासा आरटीआई में हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कुमार की माने तो पटौदी नगर परिषद ने साल 2018 में पटौदी शहर में खस्ता हाल सड़कों को ठीक कराने के लिए ठेका छोड़ा था। 6 मार्च को ठेकेदार ने सड़कों को दुरुस्त करना शुरू किया और 28 मई को ये सभी सड़कें ठीक कर दी गई, लेकिन सिर्फ कागजों में, जबकि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ था। इस बारे में जब आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कुमार ने आरटीआई लगाई तो मालूम चला कि जो सड़कें बनी हैं उसमें रोड रोलर का जो नंबर दर्शाया गया है वह असल में होंडा बाइक का है। इस पर रमेश कुमार ने पुलिस को इसकी शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सर, ये पटौदी ब्लॉक समिति ने वहां पे जो डेवलपमेंट काम करवा रहे थे तो उसमें काफी घपलेबाजी कर रहे थे। हमने आरटीआई लगा के उनके डॉक्यूमेंट्स और बिल लेने चाहे तो उन्होंने कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जिसमें हमें 3 बिल मिले। 3 बिलों में इन्होंने रोड रोलर चला के और रोड बनाने का काम दिखा रखा है, लेकिन जब हमने बिलों की जांच की तो बिलों के ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो नंबर मोटरसाइकिल के हैं। हमने इसकी जांच की, ऑनलाइन वो निकाला रिकॉर्ड, तो ये मोटरसाइकिल के नंबर मिले। इसके बाद हमने एक शिकायत पटौदी SHO को की पिछले साल नवंबर में, लेकिन SHO साहब ने करीब 2 महीने टाल मटोल करके उस पर FIR दर्ज नहीं की। इसके बाद में हमने CM विंडो पे एक कंप्लेंट लगाई कि पुलिस भी मिली भगत करके दोषियों से इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। जो CM ऑफिस से शिकायत ACP साहब के पास और SHO के पास दोबारा आ गई, जिसकी जांच करते टाइम SHO साहब ने अपने रिपोर्ट में साफ लिखा कि मोटरसाइकिल के नंबर से बिल जो है लेकिन उन पर FIR दर्ज नहीं की और उसको ये बता दिया कि मानव त्रुटि है और इन पर मुकदमा नहीं बढ़ता। और वो रिपोर्ट जो थी वो ACP पटौदी के थ्रू DCP मानेसर के पास भेज दी गई। DCP मानेसर ने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो DCP मानेसर ने उसमें साफ लिखा अपने रिमार्क्स में, इट इज क्लियर दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट, कि इसमें ऑफेंस हुआ है और इस पर नेसेसरी एक्शन किया जाए। उसके बाद में DCP साहब के जो रिमार्क्स है उसके बाद में SHO पटौदी ने कल वो FIR की है, जिसमें पटौदी जो पालिका है उसका चेयरमैन है और एक BDPO है, 2 लोग और हैं जिन्होंने बिल बनाए थे अलग अलग, और अन्य जो जांच में दूसरे दोषी आएंगे वो जांच के बाद शामिल होंगे। सर, सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत करेंगे, लेकिन अब भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने के लिए सरकार ये कर रही है कि अधिकारी ये कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई ही ना करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर जाए। इसी मामले को आप देख लीजिए, 4 महीने से पुलिस के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे बिल्स हैं, पूरा फ्रॉड है। उसके बाद पुलिस ने कितने दिन बाद इस पे जो एक्शन लिया है और वो भी CM ऑफिस के बीच में आने के बाद में, शिकायत होने के बाद में, तो ये तो कहने की बात है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खत्म करने की बजाय तो बढ़ता ही जा रहा है। और अब जो कार्रवाई नहीं होने से जो लोगों को निराशा है बहुत ज्यादा है। पुलिस द्वारा कार्रवाई ना किए जाने के बाद रमेश कुमार ने CM विंडो पर शिकायत दी, जिसके बाद CM विंडो पर शिकायत आने पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच DCP साउथ को दी गई। वहीं DCP ने पूरे मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए मामले में पटौदी के BDPO, ब्लॉक समिति के चेयरमैन और अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और मामले के तहत जांच शुरू कर दी है। ये कंप्लेंट थी, रमेश हैं RTI एक्टिविस्ट उनकी, जिसमें उन्होंने कुछ विकास कार्यों में कुछ फर्जीवाड़े का आरोप लगाए थे समिति के लोगों के खिलाफ, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, क्या कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं इस पूरे मामले में? इसमें जिस जिसके नाम उस शिकायत में दिए थे उनके सबके खिलाफ हमने केस रजिस्टर किया है और आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल। हालांकि पुलिस ने पटौदी ब्लॉक समिति के चेयरमैन, BDPO एवं अन्यों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन इस पर कार्रवाई कब तक होगी ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी TV चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से नीरज विशिष्ट की रिपोर्ट।